मेरे पास समय नहीं है, तुमको कोई डर है, इधर में बनाइएगा है जब क्या राजा को विवेक का, विवेक मतलब होता है बुद्धि जिसको हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेंस या ब्रेन। क्या कोई दिक्कत है या क्या कोई रास्ता नहीं है, एक कई किताबें हैं, ठीक है। तो कई किताबें हैं, ये तीनों जो बनाइएगा, दे आर प्लस क्या है, दे आर प्लस ई जे आर का मदद लीजिएगा और है जब की मदद से एक तीनों बनाइएगा, ठीक है। बना करके आपको जो है सेंड कर देना है व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा नंबर है 777-395-0037, जो बनाएंगे वो सेंड कर देंगे, ठीक है, तो चेक कर लेंगे, जिसको डाउट होगा, जिसका नहीं बनेगा हम बता देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहीं तक कहानी है, और आगे है कंडीशनल है, तो कंडीशनल अगर अभी बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेगा, ठीक है। कंडीशनल को आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इतना लेकिन कर लीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें, क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करें। जैसे देखो, मान लीजिए अब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ नहीं बचा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको क्या बतलाता है कि जो काम अभी जारी है, यानी कि अभी वर्तमान में जो जारी है उसको हम लोग रखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। देखो अगर इसका आप हिंदी कीजिएगा तो हिंदी करने पर क्या होगा, रहा है आएगा, रही है होगा, ठीक है, रहे हो, यानी कि वैसा ही अगर हा रही रहे, ठीक है, तो सब चीज ये सब जो आएगा तो ये मेरा किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो प्रेजेंट में बात होता, ठीक है। और इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर देखिए तब आपको पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा, क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, वीडियो को पूरा शॉर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस भर आई एन जी प्लस, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या है, भर आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर का मतलब लिए हैं किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जांपल जरा सा देखो, अगर हम लिख दें आई एन, हम क्या कर रहे हैं, आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग जो है ये मेरा क्या है, एक्शन हो रहा है। हम आपको बता टेंस दो चीज करता है, या तो एक्शन या तो स्टेट बतलाता है, टीचिंग मेरा क्या है, एक्शन है, तो ये भी क्या है मेरा टेंस और कंटिन्यूअस में, और अभी हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम अभी पढ़ा रहे हैं ना। चलिए उसी तरह अगर हम लिखें यू आर स्लीपिंग, सिंपल सिंपल सा अभी थोड़ा सा देखिए बेसिक चीज, यू आर स्लीपिंग, आप क्या है, सो रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट लीजिएगा, यू आर स्लीपिंग ऑन द कहाँ, बेड, आप कहाँ पर सो रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं। आई एम टीचिंग कहाँ है, ऑन द ब्लैक बोर्ड, हम कहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तक मेरा वर्ब है और ये मेरा क्या है, इधर से इधर पूरा ऑब्जेक्ट के तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी। आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं, मान लो लिखे राजन, राजन इज 18, सिंपल, और अभी अगर नहीं सीखे तो मुश्किल है, 18 फीस, राजन क्या है, फीस खा रहा, तो राजन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज मेरा क्या हो गया, इज, ये जो है इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ एच भी लिख देते हैं, ईटिंग मेरा मेन वर्ब है तो हम एम भी लिख देते हैं। अब देखिए आई एन जी फॉर्म जो होता है वो एक तो जेरंड बनता है, एक पार्टिसिपल बनता है, तो हम लोग देखेंगे उसको डिटेल में। अभी तत्काल में जानिए हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और फीस मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर जो होता है इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस, आप लोग बोल रहे हैं सर ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन से जिंदगी नहीं चलने वाला है, इसको आप लोग अपने से थोड़ा थोड़ा हिंदी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। चलिए तो कोई भी एक्शन जारी जाएगा कहाँ पर, प्रेजेंट में, उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा आगे चलिए, ठीक है, थोड़ा सा आगे अगर आप चलिएगा तो आप देख पाएंगे इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा देख लीजिए।
माइनस बी ई कहने का मतलब है निगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा इज एम आर प्लस नॉट प्लस भर आई एल जी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश कर दें क्या, अगर हम लिखते हैं आई एम, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, क्या होगा पहले टीच होगा उसके बाद आई एम जी लगा देंगे, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। उसी तरह है वह नहीं हंस रही है, वह नहीं हंस रही है तो क्या होगा सी इज नॉट स्माइलिंग, वह क्या है नहीं हंस रही है। उसी तरह अगर हम दें इसका अगर स्ट्रक्चर आप बनाइएगा निगेटिव में तो कैसे उठाएंगे, फिर ले लीजिए सब्जेक्ट को कुछ भी ले सकते हैं, मान लो कोई किसी का नाम लिख लीजिए, मेरा पसंदीदा नाम है राजन, राजन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो राजन क्या है क्रिकेट खेल रहा है क्या, राजन क्रिकेट नहीं खेल रहा, राजन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया। देखिए जैसा है ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, सब मैं अपने से सेट करना, इज आ गया इज अमार का चर्चा किए हैं, नॉट आ गया नॉट तो सब में होगा ये होगा नॉट हो गया, प्लेइंग है वर्ब है और उसमें आई एन जी लगा देना, तो प्ले था आई एन जी लगा दी प्लेइंग और ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या हो गया क्रिकेट, ये मेरा क्या हो गया वो भी ये हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा, आराम से अभी समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम एक चीज बोले तो देखिएगा इसको उतार लीजिएगा, थोड़ा सा अभी जल्दी में है और टाइम भी कम है, 5 मंथ खत्म हो गया है, 1 महीना पूजा पाठ होगा, 6 महीना बचा होगा, पढ़िए अच्छे से, अगर अच्छा मार्क लाना है तो, नहीं लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, जानिए रहने फिर बता मोला हो चलेगा। इंट्रोगेटिव के बारे में बात करें, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का दो तरीका है, पहली बात तो हो जाता है कि इसी का इज एमआर को ले लेते हैं बाहर, जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात है इज एम आर, इज एम आर को लेंगे आर लिखा हुआ है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भार आई एन जी वाला भार होगा प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, सिर्फ इंट्रोगेटिव है ये क्वेश्चन बनाता एक है। दूसरा है डब्ल्यू एच वर्ड, देखिए कुछ नहीं करना है डब्ल्यू एच वर्ड में, थोड़ा सा ध्यान दें कुछ आपको नहीं करना है डब्ल्यू एच वर्ड में, डब्ल्यू एच वर्ड आराम से लिख दीजिए कोई दिक्कत, डब्ल्यू एच वर्ड जो लिखेंगे उसके बाद इसको लिख दीजिए इज एम आर, ठीक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई एनजी, डब्ल्यू एच वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन होता है बाबू देखो, व्हाट है व्हेन है हाउ है वेयर है व्हाई है, तो जितना भी वर्ड हम लिख रहे हैं सब क्या है डब्ल्यू एच वर्ड है, यानी कि प्रश्नवाचक वर्ड है, फिर डब्ल्यू से शुरू हो रहा है देख नहीं पा रहे, तो डब्ल्यू एच वर्ड का क्या करना है इसके बाद इसको उतार दीजिए, जो लिखा हुआ इज एम और क्या लिखेगा आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है हर आई एन जी प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, किसी को दिक्कत है उम्मीद करते हैं कि नहीं, ठीक है। इंट्रोगेटिव में दो तरह का बनता है, एक है दूसरा इज एम आर इसी का वर्ब उठाइएगा, दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सा क्या मैं पढ़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताइए इसका हम क्या लिखेंगे, व्हाट आई एम टीचिंग, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे अगर लिखते कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बताते हैं, अगर हम लिखते इसको क्या को ढक दो, हम मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या होता आई एम टीचिंग, क्या होता आई, अगर हम इसको ढक दें आई एम टीचिंग होता कि नहीं होता, आई एम टीचिंग नहीं होता, लेकिन एक क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम आपको बतला रहे हैं कि जब भी दो तरह का बनेगा, क्या अगर सिर्फ और सिर्फ क्या ही आएगा बाहर, अगर क्या जो है सेंटेंस के बाहर में है तब आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है, क्या अगर अंदर होगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर बाहर है तो इसका इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा, तो इसको जो है मिटा दीजिएगा, एम को यहाँ से मिटा करके क्या होगा एम आई टीचिंग, और लास्ट में क्वेश्चन ए डाउट्स। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ ये देख लिए हैं, अच्छा देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इसी का देख लीजिए कि डब्ल्यू एच कैसे बनता है, लिख गया मैं
क्या पढ़ा रहा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा बात है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग। अब देखिए क्या क्या था कि बाहर में था, यहाँ कहाँ था, हिंदी में लिख देते प्योर में बाहर था, और यहाँ क्या कहाँ है, अंदर है, अंदर यानी कि इनसाइड में है, वहाँ क्या है, अंदर है, इस बात को समझिए। तो क्या जब लिखिए, क्या जब अंदर रहेगा तब डब्ल्यू एच वर्ड को यहाँ से उठाना है। मैं क्या पढ़ा रहा, तो क्या होगा व्हाट, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है, व्हाट। उसके बाद जो है फिर जो लिखे हैं यहाँ ये लिख दीजिए, व्हाट एम आई, और क्या होगा, कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं नहीं। अब थोड़ा सा और भी इस पर करा देते हैं, उसी तरह देखिए, अगर मान लीजिए हम लिख दे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, हम किसी से पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, वर्तमान के बारे में ही बात है, और क्या देखिए तुम के बाद है, सब्जेक्ट के बाद है, और क्या जब अंदर रहेगा, सब्जेक्ट के अंदर है, सब्जेक्ट के बाद रहेगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड को उठाना है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या क्या इंग्लिश क्या होगा, व्हाट होता है, तो क्या होगा, व्हाट आर यू, करना का क्या होता है, कर रहा है, तो डू हो जाएगा, इसमें आई एम जी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मान लीजिए कि इसी काम को जो है इवला पार्ट अगर मान लीजिए ऐसे मिलेगा, तो क्या तुम कर रहे हो, आर यू डूइंग, ठीक है, अगर क्या है कि क्या तुम कर रहे हो तो क्या होगा, आर यू। उसी तरह आप देख लीजिए, आप कैसे, आप कैसे घर पर, देखो हम पूरा बढ़िया देखते हैं, घर पर पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, हम तो देखने नहीं जाते हैं, आप भाई बोल दीजिए, कान दीजिए कि हम पढ़ते हैं, तो उससे फायदा नहीं, ठीक है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या होगा, आप कैसे पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, हाउ, और हाउ को देखो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, तो इज अमार उठाएंगे, आप है, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू है, यू के साथ इज अमार में क्या लगेगा, आर, तो हाउ आर यू, हाउ आर यू, और ना का क्या होता है, स्टडिंग, एस टी यू डी वाई एन जी, स्टडिंग, कहाँ आप पढ़ रहे हैं, स्टडिंग घर पर, इन द हाउस, कोई दिक्कत, इसको उतार दीजिएगा, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, इन द हाउस है, चलो आप इसी का थोड़ा सा आप देख लीजिए, एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, ये बेसिक है, प्योर बेसिक, इसी का अगर आप देखिएगा, देखो मान लीजिए कि अगर आप इसका बेसिक देखिएगा, और इसका एग्जांपल करा दें, एच डब्ल्यू ले लो, जो आप घर से करिएगा, जैसे मान लो क्या हुआ, जा रही है, गा रही, तुम क्यों पढ़ रही, कोई लाख छोड़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे रहा, मैं सब एकदम जो है इसको होमवर्क करके भेजते जाइएगा, ठीक है, जो देखते हैं जो नहीं देखते हैं खैर, तो उसको दूर से ही सलाम है मेरा, ठीक है, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है,
तुम कब आ रहे समय तो समय ठीक है तो इन सब को एसडब्ल्यू कर लीजिएगा आराम से, उसके बाद जो है घर में बना करके भेजना। जो पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते हैं तो उसका तो इसे भी बिहार हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी देखिए हमको क्या किया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जब हम चर्चा किए तो पहला हम आपको बताया कि रहा है, रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह जा रही है, तुम हंस रही है, ये सब जो बातें हैं कंटिन्यूअस में था, ये कंटिन्यू हो रहा है और कब हो रहा है तो प्रेजेंट में हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट में जो हो रहा था हम उसको आपको डिटेल में बतलाए हैं। किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, चार तरह का होता है, पहला होता है पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, और कुछ तो नहीं होता है। चलिए ये था मेरा इंट्रोगेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव था, और अभी आपको देखना है ये टाइप फोर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको देखना है इंट्रोगेटिव के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव के साथ माइनस भी, और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब ये कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो देखिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इजम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, इजम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, नॉट प्लस वर्ब आई एनजी, क्या है, नॉट प्लस वर्ब आई एनजी, ये कैसे है। और दूसरा तो आप ही जान रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म जो लिखिएगा, कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म इसका कैसे लिखिएगा, इज लिख सकते हैं, आर एंड लिख सकते हैं, लेकिन एमेंट मत लिखना, लड़का लड़की लोग गलत हो जाएगा, ये नहीं होता, इसका जो है जो चल रहा है उसी तरह लिखे, ठीक है। प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी प्लस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। एम नॉट का नहीं होता है तो हम वहाँ लिखते हैं। WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, इसका हिंदी सब लोग जानते हैं। इसका नेगेटिव हम करेंगे, जैसे मान लो मैं क्यों नहीं पढ़ा, मैं क्यों नहीं पढ़ा, आप क्यों नहीं पढ़ा, तो इसका क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो इज एम आर प्लस सेम फॉर्मूला है, थोड़ा थोड़ा इंटरचेंज करेंगे, वही वाला फॉर्मूला तो उतारेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या है, नॉट प्लस वर्ब आई एन जी। अब देखिए यहां तक तो सबको पता है कि सर हम ही तो पढ़े हैं, लेकिन आगे जो हम दिखाएंगे उम्मीद करते हैं कि आपने मतलब पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे तो सीखेंगे। जैसे देखो मान लो एग्जांपल आप देखिएगा, इंग्लिश में ही लिख देते पहले, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए एम आ गया सब, ये देखो इजम आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, कौन हो गया, सब्जेक्ट मेरा हो गया, नोट का नोट भी रह गया है, वर्ब आई एनजी टीचिंग हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसी तरह देते हैं आर सी नॉट लिविंग हैप्पी, क्या वो खुश नहीं रह रही किसके साथ, हैप्पी विद किसके साथ, हस्बैंड के साथ, ठीक है। आर नहीं होगा, सॉरी आर नहीं होगा, इज होगा, इज, ठीक है। तो इज सी नॉट लिविंग हैप्पी विद विद हर हस्बैंड, हर दे देते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां से जो भी शुरू हो रहा है सभी प्रॉपर वे में हम लोग लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े बात को देखते जाओ, इस पर आराम देखिए। अब मान लीजिए वर क्यों नहीं जा, वह क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, तुम पहुंचा देना, ठीक है। वह क्यों नहीं जा रही है तो देखेंगे क्या होगा, वाई, अब देखिए क्यों हम आपको बोले कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो निश्चित है कि यही वाला हम पकड़ेंगे। तो क्यों का क्या होगा, क्या होगा, वाई होगा। तो वाई अब देखिए इज एम आर में क्या लगेगा, वह है, तो वह का सी होगा, सब्जेक्ट हो गया सी मेरा, और सब्जेक्ट के पहले ही हम हेल्पिंग वर्ड डाल रहे हैं, इज एम आर में क्या होगा, सी के साथ क्या होता है, इज होता है, वह इज सी
अब नॉट का नॉट लगा देंगे, कहां जा रहे उससे लगाना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ लिख देते हैं कि नहीं जा, कोई दिक्कत। उसी तरह जो है वह के जगह जो है तुम भी लिख सकते हो, बना लीजिएगा वह के जगह जो है रिया भी लिख सकते हैं और वह के जगह जो है रिति लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है कर लीजिएगा इतना काम, आगे इसमें दिक्कत नहीं है किसी को, एकदम बेसिक था बच्चा वाला, एक तरह से जो पढ़े उसका रिवीजन हो गया, जो नहीं पढ़े वो देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा करेंगे, क्या बोले बंद हो गया। देखो आगे हम लोग अगर बात करेंगे एच डब्ल्यू, थोड़ा सा देख लीजिए एच डब्ल्यू को, देखते हैं मेरा पूरा वीडियो वो देखो। मान लो वह कहां नहीं जा रही है, एक बना लीजिएगा, मेरे बगल में एक लड़की है उसका नाम है वर्षा, नहीं वर्षा क्यों नहीं पढ़ रही है, क्यों नहीं पढ़ रही है, उसी को तो देखिए ये क्या हो इनसाइड में है तो डब्ल्यू एच वर्ड को लीजिए, अगर हम बाहर बुलाते हैं तो बाहर में सिर्फ क्या आ जाता है, क्या हुआ नहीं पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं नहीं, नहीं संदेह है ना, चलो क्या तुम नहीं समझ लगाएंगे, क्या तुम नहीं पढ़ने जा रही हो, कोई दिक्कत है। ये सब सबको जो है एस डब्ल्यू में बना बना करके भेजते जाइएगा, नंबर हम लिख दिए आराम से, और नहीं तो मेल है मेल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो बेसिक के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं, अब देखिए कुछ वर्ड ऐसा है, सुनिए देयर आर सर्टन वर्ब, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसका आई एन जी फॉर्म ही नहीं होता, क्या नहीं होता है आई एन जी वाला फॉर्म नहीं होता है, तो आई एन जी वाला फॉर्म जब नहीं होता है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज कर देते हैं। जैसे मान लो हम अगर लिखें आई एम लविंग यू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, अगर कोई बोला ये होता है। उसी तरह हम बोले आई एम सी यू, तो ये क्या है रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लविंग सीइंग का आई एन जी फॉर्म नहीं होता, बहुत सारे वर्ब है जिसका आई एन जी फॉर्म ही नहीं होता, तो जिस वर्ब का आई एन जी फॉर्म नहीं होता है तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। देखो यहां देखिए नॉट रखने वाला बात है, तो इसका सही जवाब क्या होगा और इसका क्या होगा आई सी, कोई दिक्कत, देखना जो गलती बोलेगा सब मार देगा, नॉट है आप लोग फेयर कीजिएगा, देयर आर सर्टन वर्ब इन इंग्लिश दैट डजंट टेक आई एन जी फॉर्म, बहुत सारे वर्ब ऐसा है क्या है कि देयर आर सर्टन वर्ब, बहुत सारा वर्ब है जो आई एन जी फॉर्म नहीं लेता, तो जो आई एन जी फॉर्म नहीं लेगा देखेंगे हम लोग, लिस्ट आर गिवन बिलो, हम आपको भी लिखा देंगे पूरा गिवन बिलो, आपको एक लाइन से लिख लेना एक, उसके बाद क्या करना है देखो क्या करना है कि जिसका जिसका नहीं लिखते हैं, जिस वर्ब का आई एन जी फॉर्म नहीं होता है उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, उसको क्या बनाते हैं सिंपल
प्रेजेंट में बनाते हैं। याद रखिएगा, जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं तो उसको तो हम गिफ्ट दे देंगे। एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल आपको तो सॉलिड देते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम आपको बोले आई एम लुकिंग यू, ठीक है, आई एम लुकिंग यू। एक बात बताइए, अगर हम किसी को देख रहे हैं ऐसा नहीं कि उसको देखते रह जाते हैं, ठीक है, कुछ पल के लिए देखते हैं, वो एक्सेप्शन हम बाद में दिखाते हैं, लेकिन जो लुकिंग है आई एम जी फॉर्म नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि आई एम लुकिंग ये कौन तरीका है, आई एम लुकिंग। उसी तरह अगर हम बोले आई एम लविंग यू तो ये भी नहीं होगा, आई एन जी फॉर्म नहीं होता इसका, हेटिंग का भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबका क्या सही होगा, जिस वर्ब का आई एन जी फॉर्म नहीं होता है, जिस वर्ब का क्या है आई एन जी फॉर्म नहीं होता, उसको काम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो इसका सही कीजिएगा तो क्या होगा, आई लुक यू, एक मैं आपको देखता हूं, दूसरा है आई लव यू, तो क्या होगा आई लव यू, और आई हेटिंग का क्या है कि सबका जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिस्ट लिखा देते हैं जितना सेटल वर्ब है, ठीक है, उसको आप कॉपी में उतार देंगे, कहाँ गए इधर, वहां एक बटन होगा उसको आप खोल दो, क्या नहीं हम भोज खाए पूरा, जो वर्ड है ठीक है लिस्टेड बिलो हम कर दिए हैं, जितना भी वर्ड यहां से लेकर के अपीयर से लेकर के प्लीज तक लिखे हैं सब वर्ड क्या होता है आई एनजी फॉर्म नहीं लेता। तो आई एनजी जब फॉर्म नहीं लेगा तो इसको किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में हमको बनाना होगा। अपीयर का है दिखाई देना, एडवाइस मीन सलाह देना, एडवर्ब मीन पूजा करना, पूजा या श्रद्धा रखना, जिसका भी आप पूजा करते हैं, शंकर भगवान का करते हैं, किसी आदमी का करते हैं, किसी लड़की का करते हैं, कोई अपना मम्मी करते हैं, पापा करते हैं, गार्डन का करते हैं, तो जो भी है एडवर्ब का उसके लिए हुआ। वर्शिप मतलब हो गया जो हम भगवान को करते हैं। श्रद्धा रखना, एग्रीमेंट है सहमत होना, एडमायर प्रशंसा करना, बिलीव विश्वास करना, बिलोंग टू से संबंध होना, कंसिस्ट ऑफ रखना या कंटेनमेंस होता रखना, दोनों का मतलब ये कि क्लियरनेस ध्यान देना, परवाह करना, कॉस्ट मतलब होता है कीमत, कंसिडर मतलब होता है विचार करना, डिजायर में शिक्षा, डिस्क्राइब डी एस सी आर आई डी डिस्क्राइब में होता विस्तार, डिस्कस में होता विचार करना, डिसलाइक में होता नापसंद करना, डिसबिलीव में होता अविश्वास, डाउट में होता संदेह करना, फील में होता महसूस करना, उसके बाद क्या फॉरगिव में होता क्षमा करना, फॉरगेट में होता माफ करना, दोनों का मतलब एक ही समझने में से एक दूसरे एक कम, और हियर में होता सुनना, इमेजिंग में होता कल्पना करना, मिसअंडरस्टैंड में से गलत फहमी, प्रीफर में से ज़्यादा पसंद करना, नोटिस में से देखना, ऑन में होता है अपनाना, ऑन में जैसे बोला ना दिस बिलोंग टू ऑनिंग, ऐसे थोड़े होगा, दिस बिलोंग क्या बोलते हैं इट्स माई ऑन होम, ये मेरा अपना घर है। ऑर्डर क्या है आज्ञा देना, आज्ञा देना प्लीज मिस्टर खुश कर, ठीक है, तो ये सारे वर्ड है। एक और है, इसको क्या कीजिएगा कॉपी में लिख करके दोबारा पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ठीक है, कहाँ गए जी, ये सारा जो लिस्ट देख रहे हैं ये टोटल का टोटल लिस्ट वही है जो कि आपका आई एन जी फॉर्म नहीं लेता है, ठीक है। तो आई एन जी फॉर्म नहीं लेगा उसको किस में बनाइएगा, सिंपल प्रेजेंट में, और आई एन जी फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट टेंस में नहीं, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, जो आई एन जी फॉर्म वाला होगा उसमें जितना वर्ड लिख रहे हैं किसी में भी आई एन जी फॉर्म नहीं लगेगा, किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, किसी में भी ये सब जो है आई एन जी फॉर्म नहीं लेगा, इस बात को आपको समझना। प्रोसेस में होता रखना, संबंध भी होता प्रोसेसर, और ये वाला वर्ड जो याद रखिए, रिकॉल में होता वापस बुलाना, जैसे एक बार गए दूसरी बार बुला लिया, रिलाइट में होता महसूस करना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो वैल्यू हम लोग को याद आने लगता है कि हे बापू जो है मर गए, तो मर गए नहीं देखिए याद आने लगता है कभी कभी, रिलाइट में महसूस करना है जाने के बाद हम लोग महसूस करते हैं, रहने के साथ हम लोग नहीं, रिफ्यूज में होता इनकार करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि कोई भी चीज आपको बढ़िया बात बताता है तो आप उसको इनकार करते हैं, चलिए इनकार देखेंगे, रिफ्यूज, रिक्वेस्ट में से अनुरोध करना, रिमेंबर में होता याद करना, रिसेंबल में होता एक समान दिखना, रिसेंबल मतलब मिलना भी होता है, ठीक है, रिक्वायर में होता जरूरत होना, सी मीन्स देखना, देखो सी हम लिखे थे सी पर एग्जाम्पल बनाए थे, स्मेल में होता सुनना मांगना, सी मीन्स होता मालूम होना या लगना, जैसे सी मतलब होता कि सी चीटिंग, ऐसा महसूस हो रहा है कि वह धोखा दे रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वह धोखा दे रही है, तो क्या है सी में अनुमान लगाते हैं, सपोज है मानना या मान लेना, सफिस है एस नहीं एस यू डेवलप आई सी सफिस है पूरा होना या पर्याप्त होना, उसके बाद है हेट नफरत करना, ये तो बढ़िया से जानता होगा थोड़ा सा सर, होप मीन्स क्या है आशा करना, हैव मीन्स होता रखना, हैव मीन्स भी रखना और कीप मतलब भी रखना होता, ध्यान रखिए, नो मीन्स होता जानना, नो का नोइंग नहीं होगा बाबू लोग,
कीप मीन्स है रखना, लाइक मीन्स है पसंद करना, लव मीन्स होता है प्यार करना, लुक मीन्स है देखना, मीन मीन्स मतलब, माइंड मीन्स ध्यान देना, थिंक मीन्स सोचना, अंडरस्टैंड मीन्स होता समझना, विश मीन्स इच्छा या मानना, जो मांगते हैं हम लोग बोलते हैं आई विश ही शुड गेट जॉब, मेरा इच्छा है कि उसको नौकरी लगे, अब मेरा इच्छा है कि उसका ब्याह हो जाए, ठीक है, तब मन्नत मांगते रहिए, आई वांट, चाहना इच्छा जरूरत होना, वांट मतलब होता है जो खुद के लिए हम करते हैं, जैसे है आई वांट ए कार टू ड्राइव, एक दूसरा मन्नत है आई वांट ए लॉट ऑफ मनी, ये मन्नत है तो ये मेरा प्रश्न, ये किसी का भी हो सकता अपना, अब इच्छा जो होता है दूसरे के लिए हम बोलते हैं कि भगवान करे उसको जो है काला कलूट लड़का मिल जाए, लड़का लोग तो चाहता है ना, इसको लिख लीजिएगा और लिख करके याद करना, और बता देते हैं एक चीज, ध्यान दो पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जो आपको बेटर फ्यूचर का काम करे। चलिए, किसी में भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगा, किसी में प्रेजेंट में भी नहीं लगा, पास्ट में भी नहीं लगा, और फ्यूचर में भी जितना सारा वर्ड लिखा है आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, क्या होगा आईएनजी फॉर्म क्या होगा, नहीं होगा, ना तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पास्ट में है तो फ्यूचर में, ठीक है, कंटीन्यूअस में क्या है, इट विल नॉट टेक दीज वर्ड्स